मैं कभी भी ये मुंह ठीक से नहीं कर पाऊंगा, मैं हार गया। हे एस, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन मैंने टीवी पर किसी को एक बढ़िया मूव करते हुए देखा और फिर मैं यहाँ आ गया कम्युनिटी सेंटर में। यहाँ? हाँ, ये मेरे दूसरे घर जैसा है। खैर, मैंने हर एक दिन उस मूव की प्रैक्टिस की। तुम्हें उसे सही करने में कितना वक्त लगा? मैं अब तक उसे अच्छी तरह सीख नहीं पाया। तुम सीख नहीं पाए? हाँ, पर मेरी कोशिश अब भी जारी है। एक दिन। यकीन नहीं होता मैं तुम्हारी तरह यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ शेख। यकीन करो। इस जगह के बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। हाँ? ये किस लिए है? किसी ने तुम्हें बताया नहीं? इसे तोड़ने वाले हैं। तोड़ने वाले हैं? नहीं, लेकिन लेकिन ऐसा भला कौन करेगा? इनविंसिबल यूनाइटेड ने कम्युनिटी सेंटर खरीद लिया है। अब विंस और स्कारा उसे तोड़वाने वाले हैं। तो शायद वो बच्चों के लिए उससे बेहतर कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे, है ना? नहीं, वो वहाँ अमीर एथलीट्स के लिए डे स्पा बनाने वाले हैं। ए, तुझे पता है वहाँ मैनिक्योर का रेट क्या होगा? फाइटर तू भी ना। ठीक है, बहुत बुरा हुआ। अब मैं अपनी छुट्टी मनाने जा सकता हूँ? चाहे तो मेरी फ्री की एडवाइस ले ले। आज रात के तेरे टीवी अपीयरेंस के लिए थोड़ा फ्रेश रहना। किसी को बात करने मत देना कम्युनिटी सेंटर की, और साथ ही विंस के उसे तोड़ने की। ठीक है, मैं तो चला। तुम सब छुट्टी में अच्छी तरह से आराम कर लेना। हम एक हफ्ते बाद मिलेंगे ऑल स्टार्स फ्रेंडली के लिए, उसमें बहुत मजा आएगा। अगले हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स का सामना होगा ऑल स्टार से, वो टीम जिसमें होंगे सुपर लीग के सबसे अच्छे प्लेयर्स। इस फ्रेंडली मैच के बारे में अपनी राय बताने आए हैं वो शख्स जो इस गेम की रग रग से वाकिफ है। स्वागत कीजिए शेख का। हाय 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 एवरीबॉडी। Thanks, Rob. तो शेख, ये ऑल स्टार्स मैच जिसमें है सुपर लीग के 11 बेस्ट प्लेयर्स। ये है ऑल स्टार्स? अच्छा मजाक था, पर सच बताओ शेख, लोग कह रहे हैं कि तुम ये मैच नहीं जीत सकते। इस साल ऑल स्टार्स की टीम तगड़ी है, पर हम सिर्फ वहाँ मैच का मजा लेने जाएंगे। रिजल्ट क्या आता है फर्क नहीं पड़ता, बस जरूरी है कि हम हमारे फैंस को खुश करें। खुश करने से याद आया, हमारे यहाँ एक सरप्राइज गेस्ट है। अच्छा? वो ना ही सिर्फ एक मशहूर प्लेयर और अगले हफ्ते ऑल स्टार्स का मेंबर है, बल्कि पिछले सीजन में उन्होंने स्ट्राइकर को काफी परेशान किया था। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है ऑल स्टार्स टीम का कैप्टन स्कारा। तुमसे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये? मैंने सोचा आने वाले मैच के बारे में हम थोड़ी गपशप कर लें। शांत रहे। अब मैं क्या कहूं रॉब, ऑल स्टार्स तो इन सुपर स्ट्राइकर्स को धूल चटाने वाले हैं। इतनी हिम्मत एक डे स्पा बनाएगा? स्टार्स कभी कोई मैच नहीं हारे, और इस शायद यही मौका है सब कुछ ठीक करने का। सुपर स्ट्राइकर्स के जीतने का तो चांस ही नहीं है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है स्कारा? पक्का यकीन है। कितना यकीन है? 500% यकीन। ठीक है, इतना यकीन कि तुम कम्युनिटी सेंटर के लिए खेलोगे? मैं स्कारा, अब बताओ तुम्हें कितना यकीन है? फंसना नहीं स्कारा। ये मजाक है क्या? डर गए क्या स्कारा? नहीं। ठीक है, तो फिर ये तय रहा। ठीक है, मैच 4 बजे खत्म होगा, हम जीतेंगे और तुम्हारा कम्युनिटी सेंटर होगा थड़ाम। लगता है ये फ्रेंडली मैच बन गया है नॉट सो फ्रेंडली।
आप इतना डर क्यों रहे हैं? अगर इतनी बड़ी बात है तो हम इस अग्रीमेंट से पीछे हट जाते हैं। हम पीछे नहीं हट सकते। तुमने नेशनल टीवी पर सबके सामने वादा किया है, हम लोग सुपर लीग में मजाक बनकर रह जाएंगे। कम्युनिटी सेंटर तभी मिलेगा जब वो सुपर लीग ऑल स्टार्स को हराएंगे, और वो तो नामुमकिन है। मजाक तो वो बनेंगे, ये मैं जानता हूँ, आप जानते हैं और शेख भी जानता है। बस ध्यान रहे कि ऑल स्टार्स के पास जीतने की कोई वजह हो, बहुत बड़ी वजह। अरे शेख, शेख तुम्हारे सारे टीममेट्स छुट्टी पर हैं, तो कहीं तुमने इतना बड़ा चैलेंज लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी? नो कमेंट्स। क्या इस हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स कोई खास ट्रेनिंग लेने वाले हैं? मैं हम तैयार होंगे। दोस्तों तुम सब तैयार हो ना? Yes, yes, और अच्छा कर सकता है दोस्त। बाकियों के बगैर बड़ा अजीब लग रहा है ना शेख, कितना अच्छा होता अगर वो सब प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ तेरे साथ होते। हाँ, याद दिलाने के लिए शुक्रिया स्पेंजा। ले, मेरे पास हमारे लिए एक बेहतर एक्सरसाइज है, थंब एक्सरसाइज। सॉरी मैं छुट्टी पर हूँ, कोई मैसेज मत छोड़ना क्योंकि मैं वापस फोन नहीं करूँगा। बाय। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वक्त मैं इंडो में छुट्टियाँ मना रहा हूँ, एक खूबसूरत जन्नत जैसे ट्रॉपिकल आइलैंड पर लहरों का मजा ले रहा हूँ। यो, जो जो मुझे तेरी जरूरत है यहाँ पर। और मैं लगा था कि मैं छुट्टी पर होते हुए फोन उठाऊंगा, मेरे लिए मैसेज। कुछ हुआ? लगता है तुझे अकेले ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बस निंजा और कॉस्मोस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें सुपर स्ट्राइकर्स से मुकाबले की तैयारी के लिए अपनी जगह दी। थैंक यू दोस्तों। नो प्रॉब्लम। हमारी ऑल स्टार यूनिफॉर्म्स आ चुकी हैं दोस्तों। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस टीम का कैप्टन होने में मुझे फख्र महसूस हो रहा है। एक टीम जिसमें है लिविंग लेजेंड्स। पिछले कुछ महीनों में हम एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं, पर अगले हफ्ते मिलकर मुकाबला करेंगे हमारे कॉमन दुश्मन सुपर स्ट्राइकर्स का। ये सिर्फ एक फ्रेंडली मैच है। इस मैच को जी जान से खेलने के लिए अगर उनका हमारा दुश्मन होने की वजह काफी नहीं तो उम्मीद है एक चमचमाती नई स्पोर्ट्स कार पाने की वजह काफी होगी। इनविंसिबल यूनाइटेड टीम से। ना, अगर हम जीते तो सुपर स्ट्राइकर्स नंबर वन, तुम सबकी खैर नहीं ऑल स्टार्स। गो शेख, गो शेख। कोई फायदा नहीं, मैं ये अकेले नहीं कर सकता। शेख मेरे दोस्त। कैप्टन दोस्तों। ये आराम करने का वक्त नहीं है। तो क्या तुम मेरे लिए ये फोन लाए हो? जी ये लाल बड़ा वाला सर। इसे मेरे स्ट्राइकर लैंड बॉक्स में इंस्टॉल कर दो, यही होगी मेरी डिमोलिशन हॉटलाइन। ठीक है सर, फिर गेम खत्म होगी 4 बजे, ऑल स्टार्स जीत चुके होंगे। ठीक उसी वक्त मैं डिमोलिशन हॉटलाइन का रिसीवर उठाऊंगा, सीधे कम्युनिटी सेंटर में कॉल लगाऊंगा और तुम्हें ये इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, डिमोलिशन शुरू कराओ। तब तक सेंटर तोड़ने वाली मशीनें अपनी जगह पर आ गई होंगी। गेम के खत्म होने के बस कुछ ही पल बाद कम्युनिटी सेंटर मिट्टी में मिल जाएगा।
वो ये ऑल स्टार्स तो बहुत ही तगड़ी टीम लगती है। हाँ, लीग के सारे बेस्ट प्लेयर्स एक साथ, और हमारे पास उन्हें हराने का सारा तजुर्बा है। वैसे भी इस सीजन में किसी न किसी वक्त पर हम इन सारे प्लेयर्स पर भारी पड़े हैं। हाँ, याद है जब हमने मेक्सिको में डिलो सैंटोस का सामना किया था और हमने डॉन आल्डो को हराने के लिए ब्राजीलियन स्टाइल सीखा था। हाँ, हम तो मेड़ा जितने ऊंचे भी उड़े थे। हमने हाइड्रा के फ्लोटिंग स्टेडियम में लिक्विडो को हराया था। उबर और स्कारा, हमने उसे भी हराया है। अगर कोई ऑल स्टार्स टीम को हरा सकता है तो वो हम हैं। वो आज तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हम पर ही टिकी हैं दोस्तों। ग्रेट। आज का मैच भले ही सुपर लीग के पॉइंट्स के लिए ना हो, पर इस भीड़ को देखते हुए लगता है कि ये शायद शेख की जिंदगी का सबसे बड़ा मैच है। ठीक 4 बजे अगर ऑल स्टार्स जीतते हैं तो विंस का इशारा मिलते ही कम्युनिटी सेंटर का डिमोलिशन शुरू हो जाएगा। उनके स्ट्राइका लैंड बॉक्स में रखी हॉटलाइन से वो डिमोलिशन फोरमैन के साथ सीधा और फौरन संपर्क कर पाएंगे। वो जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करने वाले। हाँ, मैच का दिन आ गया और आज का मैच सभी के होश उड़ा देने वाला होगा। आज हमें न सिर्फ एक ऑल स्टार्स गेम का स्टाइल देखने मिलेगा, बल्कि शेख ने अपने प्यारे कम्युनिटी सेंटर के लिए सबसे बड़ा खतरा उठाने की भी ठान ली है। ये पूरी कोशिश करनी पड़ेगी मैट। अगर 4 बजने तक सुपर स्ट्राइकर्स ये गेम नहीं जीत पाए तो वो कम्युनिटी सेंटर अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मौके की गंभीरता को देखते हुए आज हम कम्युनिटी सेंटर का भी लाइव टेलीविजन टेलीकास्ट दिखाएंगे, साथ ही स्टेडियम का टेलीकास्ट भी जारी रहेगा। वो रहे विंस अपने स्ट्राइकर लैंड बॉक्स में। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स ने आज के इस मुकाबले के लिए काफी तगड़ी तैयारी की है। ये, गो मैक, ये फ्रेंडली मैच कई लोगों के लिए असली मुकाबला बन गया है। कम ऑन। और ये टाइगर की जानी पहचानी स्टाइल। ऐसे ही खेलो, तुम्हारे नाम की 11 स्पोर्ट्स कार्स तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सुपर स्ट्राइकर्स डोनाल्डो की फ्री स्टाइल से उलझ रहे हैं। फेमस हेयर स्टाइल। ऑल स्टार्स का पलड़ा भारी होता जा रहा है। स्कारा का बहुत ही खूबसूरत टैकल और पास किया टिंगल को। गोल! डॉन आल्डो का बेहतरीन शॉट। लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स खुद उसके लिए नंबर डायल कर रहे हैं। मैं क्या सोच रहा था, एक ऑल स्टार्स टीम को हराना आसान नहीं होता। शेख मेरे दोस्त, फिक्र मत कर, तू इसमें अकेला नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, हम एक साथ मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। हाँ, और मुझे पता है कि हमें जल्द ही कुछ ऐसा मिलेगा जिससे हम इन बंदरों को नचा पाएंगे। Love you? क्या है? हम इसमें एक साथ हैं, है ना? हम सब भाई हैं, जो दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉल खेलने के मिशन पर हैं। और अगर हम हमारे कम्युनिटी सेंटर को नहीं बचा पाए हमारे जूनियर शेख और जूनियर फाइटर के लिए, तो वो हमारी एकता की हार होगी। इस सीजन हमने हर एक टीम को मजा चखाया है, तो चलो उसी तजुर्बे का इस्तेमाल करके हम उस कम्युनिटी सेंटर को एक देशपा बनने से रोक दें। वाह दोस्त। हाँ, मेरे मैनिक्योर के लिए और भी स्पास मिल जाएंगे। नामुमकिन कुछ भी नहीं है शेख, तुम्हारी टीम तुम्हारे साथ ही है। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स।
मैच फिर से शुरू। ऑल स्टार्स के मिले जुले तजुर्बे के होते हुए सुपर स्ट्राइकर्स को इन्हें हराने के लिए चमत्कार की जरूरत होगी। कैप्टन की बेहतरीन टैक्टिक, जो को पास किया, जो आगे बढ़ते हुए, जो की शानदार किक, बॉल अब टाइगर के पास। टाइगर ने बॉल शेक को पास की। शेक बॉल को लेकर आगे बढ़ता हुआ। सुपर स्ट्राइकर्स अपनी असली काबिलियत दिखाने में जुट गए हैं। गोल! अरे वाह, किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। ये हुई ना कुछ बात। सुपर स्ट्राइकर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर मैच खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और मैच ड्रॉ होने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ कुछ और मिनट सुपर स्ट्राइकर्स, फिर तुम्हें अलविदा कहना होगा अपने प्यारे कम्युनिटी सेंटर को। ओए, ऐसा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं। इंजरी टाइम, हमारे पास अब भी मौका है। मैच 4 बजे खत्म होगा, हम जीतेंगे और तुम्हारा कम्युनिटी सेंटर होगा धड़ाम। वो ऐसा नहीं करेगा, उससे मैच खत्म होने तक रुकना पड़ेगा। वो विंस इंजरी टाइम के लिए नहीं रुकने वाला। बस सिर्फ 1 और मिनट सुपर स्ट्राइकर्स, फिर टिक टिक बूम। अभी नहीं तो कभी नहीं। यही सही वक्त है नामुमकिन को मुमकिन करने का। डिमोलिशन शुरू करो। शेख ने शर्त जीत ली है। उसने मैच जीतकर कम्युनिटी सेंटर को बचा लिया है। मैक। विंस ने 4 बजे बटन दबा दिया था। नहीं। हम डिमोलिशन साइट के लाइव टेलीविजन टेलीकास्ट की ओर चलते हैं। मैं नहीं देख सकता ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स ने कर दिखाया है, उन्होंने शेख के प्यारे कम्युनिटी सेंटर को बचाने के लिए बेहद ऑल स्टार्स टीम को हराया है। कैसे हो गया ये, कैसे हो गया? कोई मुझे बताएगा ये कमाल कैसे हो गया? हाँ पता है बॉब, ये तो अच्छी बात है ना। स्पेंसर, नहीं मुझे जाना है, यहाँ किसी और को भी फोन पर बात करनी है। Yeah!
खुल जा। अब तुम असली इंजरी टाइम के लिए तैयार हो जाओ। एक दो तीन सुपर स्ट्राइकर्स। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। गोली की शानदार कोशिश। ये बंदा तो गोलकीपिंग का सरताज है सच में। मैक, मैक। मैं तो बस उसी के बारे में पढ़ रहा था। मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि तुम मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा। ये बंदा रास्ते में आ रहा है कॉस्मोस के तीसरे सुपर लीग टाइटल और हमें मिलने वाली बेशुमार दौलत के बीच। तो सुपर स्ट्राइकर्स प्लस ये गोली इज इक्वल टू नो दौलत पर सुपर स्ट्राइकर्स माइनस ये गोली इज इक्वल टू बेशुमार दौलत। बोलो गोली को हटाओ। यार हमें डिफेंस की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ गोली बो जो है तू तो कमाल का है यार। तू ये कैसे कर लेता है गोली बो? बस करना होता है इसलिए। पर ये जरूरी नहीं कि तुम करो। कल तुम सब सीख जाओगे कि गोली की जगह में होना कैसा लगता है। शायद तभी तुम इसकी थोड़ी कद्र करना सीखोगे। एक गोलकीपर को चार रूल्स फॉलो करने होते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, सामने वाला जब तक स्ट्राइक की तैयारी करता है तब तक उसकी हर हरकत पर नजर रखो। ठीक है अब मैं तैयार हूँ। दूसरा इंस्टिंक्ट, सामने वाला बॉल किस तरफ शूट करेगा इस पर अपने दिल पर भरोसा रखो। तीसरा रिफ्लेक्सेस, चुटकी बजाते ही पैंतरों को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहो। मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। चौथा और आखिरी रूल, निडर होना, मन में डर की नहीं सिर्फ जीतने की भावना रखो। गोली गोलकीपिंग को आसान दिखाता है पर ऐसा है नहीं। सही कहा। अब वक्त है सुपर लीग के गोली को बाहर निकालने का। सुनो मेरा प्लान, हम उस पर टूट पड़ेंगे और फिर नीचे पटक देंगे। ठीक है ठीक है, तुम सही हो, वो बहुत तगड़ा है। प्लान बी, हम वेटर्स की तरह तैयार होकर उससे लड़ेंगे। प्लान सी, कुछ नहीं करेंगे। ओहो क्या हाल है निंजा और बोलो, मुझे अपने मैच का इंतजार है दोस्तों। गोली, ये तो इत्तफाक की बात है कि हम ऐसे यहाँ मिले है ना। गोली को मारो। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हाँ बिल्कुल, हम तो राइवल्स हैं सुपर लीग। बिल्कुल मेरे प्यारे दुलारे दोस्त, चलो तुम्हें घर ले चलें, ठीक है? घर? घर? तुम्हें पता है ना वो कहाँ है? लिटिलटन में। लिटिलटन? पर वो तो यहाँ से बहुत दूर। तुम कुछ वक्त में ही ठीक हो जाओगे दोस्त। आया।
चलो तुम्हें तुम्हारी घर जाती बस में बैठा दूं। कॉस्मोस पिन पॉइंट स्ट्राइकर्स वाली एक तगड़ी टीम है, हमें इसमें गोली की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, पर साथ ही तुम सबको भी शानदार खेल दिखाना होगा। वैसे गोली से याद आया, आखिर वो है कहाँ? हाँ, क्योंकि गोली तो प्रैक्टिस के लिए कभी लेट नहीं होता है। कभी नहीं, हमें उसे ढूंढना होगा। तुमने अपना नाम क्या बताया? स्पेंसर, स्पेंसर पीआई, शेक का बेस्ट फ्रेंड और उसका खास पीआई। अच्छा ठीक है, तो उसके बाद गोली अपने दो दोस्तों के साथ चला गया। दोस्त? तुम्हें यकीन है? कौन थे? मुझे नहीं पता, कह रहे थे उसे घर ले जा रहे हैं। केला, याददाश्त, घर, शायद मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। माफ कीजिएगा पर गोली घर पर नहीं है। नहीं है? मुझे तो लगा था मैंने केस सॉल्व कर लिया। वो तो कल से ही घर पर नहीं लौटे हैं और मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। अल्बर्ट, मुझे लगता है कि गोली की याददाश्त चली गई है और उसे ढूंढने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बात यह है कि किसी ने देखा नहीं सुना? हाँ हाँ सुना, कि गोली अपने घर जा रहा है। घर? वो सालों से तो यही रह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा वो और किस जगह को घर कहेंगे। सिवाय सिवाय क्या? वैसे एक कमरा है जहाँ शायद आपको जो जानकारी चाहिए वो मिल जाए। ग्रेट, चलो से देखते हैं। वैसे ये इतना आसान नहीं है। अगर कोई सुराग है जिससे पता चले कि गोली किसे घर कहते हैं तो वो वहाँ अंदर होगा। तो फिर इंतजार किस बात का है? ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप गोली के डेली ट्रेनिंग प्रोग्राम के हर स्टेप को पूरा ना कर लें। देखो, क्या हम बस इस ऑब्स्टिकल कोर्स को ना करते हुए सीधे मेमोरी रूम में नहीं जा सकते, क्योंकि कल हमारा मैच है। गोली को शॉर्टकट लेना पसंद नहीं। तुम कुछ जाने पहचाने से लगते हो बेटा, तुम यहीं से हो? हाँ मैडम, कम से कम मुझे ऐसा ही लगता है। तुम्हें देखकर याद आती है। देखो अभी याद था और अभी भूल गई। ऐसा होता है। कहाँ जा रहे हो बेटा? यहाँ लिटिलटन में मेरा घर आ गया। जब प्लेयर्स तुम्हारी तरफ आए तो उस पर लगे टारगेट्स को देखना है। कम ऑन शेक। बॉल्स को पकड़ने के लिए अपनी इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करो शेख। अरे रुको, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नाइट विजन। मैं तैयार हूँ। ओके, अब तुम शुरू कर सकते हो। हम ये वाला बाद में फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है? इस कोर्स पर आपको अलग अलग दिशाओं से आते हुए बॉल्स को रोकने के लिए अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करना होगा। अच्छे गोलकीपर्स निडर होते हैं। तो इस तरह गोली अपने गेम की तैयारी करता है। हाँ, वो रोज इसी तरह तैयारी करते हैं शेख।
इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें इसी वक्त उस कमरे में जाना है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। रॉस्टर, तुमने शेख को देखा है? मैंने उसे आखिरी बार गोली के यहाँ जाते हुए देखा था कोच। उस जगह में ऐसी क्या बात है? अब हमारा एक गोली और एक स्ट्राइकर गायब है, उन दोनों का ही अब तक कुछ अता पता नहीं है। नोआ, मुझे लगता है कल की स्टार्टिंग लाइनअप में तुम्हें रहना होगा। अब इसे कर दिखा, गुड लक दोस्त। मेमोरी रूम को आपका इंतजार है। Yes! हमने कर दिया, हमने कर दिया। शेख, इसका कोई फायदा नहीं, मैच शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। हम अभी नहीं जा सकते स्पेंसर, मंजिल काफी करीब है। हे, देख गोली के बचपन की तस्वीर। हाँ, मेरे ख्याल से ये गोली की पहली होम टीम है। उसकी कौन सी टीम? उसकी होम टीम? एल्बर्ट, शायद मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। मैच शुरू होने से पहले ही माहौल काफी अटपटा हो गया है। गोली के ना होने से हर तरफ काफी टेंशन है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो जल्द ही लौट आए। चलिए हम सब एक पल के लिए मौन खड़े रहें और गोली की वापसी की कामना करें। एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट? थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ यार, गोली गायब हो चुका है। सॉरी। वैसे यही वो जगह है, वो जगह जिसे गोली घर कहता है। यस। ओह कम ऑन, मुझे बस एक क्लू चाहिए, एक सुराग, किसी तरह का इशारा। और इशारा मिल गया, भूखे पेट की आवाज। गोलकीपिंग का तीसरा रूल, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। मैच का रोमांच एक बार फिर शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स अपने सब्स्टिट्यूट गोलकीपर की काफी मदद कर रहे हैं। थैंक्स दोस्तों। कोई बात नहीं, अब तक बैकअप कीपर मर्डॉक ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कितनी भीड़ है। एक्सक्यूज मी, जाने दो। एक्सक्यूज मी। किसे पता था मेरे भूखे पेट में इतनी इंस्टिंक्ट है। गोली, गोली। एक्सक्यूज मी, शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। नहीं, तुम ही गोली हो। तुम्हारी याददाश्त चली गई, तुम सुपर स्ट्राइकर से हो। इसीलिए मुझे यह शहर इतना पसंद है, यहाँ लोग अच्छा मजाक करते हैं। मैं ये साबित करूंगा। अफसोस की बात है कि गोली आज यहाँ पर नहीं है, उसके होने से मैच का मजा कुछ और ही होता है, जो आज के मैच में नहीं है। उसका कोई जवाब ही नहीं। गोली, गोली, ये तो गोली है। मुझे यकीन है कि नोआ मर्डॉक को इंतजार है कॉस्मोस से दूर होने का। एक हार्ट अटैक और वो आ गया नीचे। येलो कार्ड, उन्होंने चीटिंग की। निंजा को तो अभी रेड कार्ड मिलना चाहिए। ये बहुत गलत हुआ यार, अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास कोई गोलकीपर भी नहीं। कोच, मुझे लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा।
यार जब तूने पिछली बार गोलकीपिंग ट्राई की थी तो तुझे रोते हुए फील्ड से निकलना पड़ा था। ये तो मेरे गोली के घर में गोलकीपर ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने से पहले की बात थी। हाँ, उसके बटलर ने मुझे कोचिंग दी। तो गोली के बटलर ने तुझे अच्छी तरह ट्रेनिंग दे दी है, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। ये सच है कि गोली के घर में एक ट्रेनिंग कोर्स है और वो बहुत ही मुश्किल है। तो ये राज है हमारे गोली के इतने अच्छे होने का। हाँ, एक दो तीन सुपर फाइटर्स। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, ब्रेक के बाद अब शेख गोलकीपर बनकर आया है। वो पागल हो गए क्या? बेचारे शेख को गोलकीपर बना दिया। अब शेख को दिखाते हैं गोलकीपर का काम कितना मुश्किल होता है। अरे निंजा का बेहतरीन टैकल। मुकाबला बराबरी का है, निंजा वर्सेस शेक। अब बस उसे एक दिशा चुननी है और डाइव करना है। वो तीन रूल्स क्या थे? नहीं चार रूल, नंबर एक कुछ याद नहीं आ रहा। गोली कहाँ है? आई होप वो ठीक है। बॉस ने कमजोर गोलकीपर का पूरा फायदा उठाया है। ये सुपर स्ट्राइकर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ठीक तो है ना शेख? ये तो सोचा तो उससे ज्यादा मुश्किल है। कोई और है दिमाग में? तूने ये काम खुद ही चुना है, तू हमारी इकलौती उम्मीद है यार, इसलिए या तो हार मान ले या फिर खड़े हो जा। शेख! उससे बोल मैं गोली हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं गोली हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे अभी यहाँ आना होगा। ऐसा नहीं हो सकता यार, मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं सारी गोलकीपर ट्रेनिंग भूल गया हूँ। वो सारी गोलकीपर ट्रेनिंग भूल गया? नहीं, उससे कह ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, इंस्टिंक्ट्स, रिफ्लेक्सेस और निडर बनो। बस रिलैक्स करो और आराम से खेलो, डरो नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए ये काफी होगा शेख। वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ नहीं आ पाएगा। वो हमारी मदद कर चुका है क्लाउस। ऑब्जर्वेशन। Instincts. Reflexes. Nidar bano. तुमने ट्रेनिंग पर काबू पा लिया है शेख। बढ़िया से ब्रेंडा, मैं सच कहूँ मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। देखने को नहीं मिलता मैच। मैच और रोमांचक होता जा रहा है। बॉल जो के पास, जो तेजी से बढ़ते हुए पास किया फाइटर को। फाइटर की शानदार की कॉल, ये गोल। एक और गोल। अब बस सुपर स्ट्राइकर्स को अपनी बढ़त को बनाए रखना है। कमाल हो गया, शेख ने सुपर स्ट्राइकर्स को ये मैच जिता दिया। कौन है कमाल? मैं हूँ कमाल। वो अच्छी जगह है, यहाँ कौन रहता है? तू रहता है, अगर तुझे याद नहीं है तो जान ले तू होनार कामयाब और अमीर है। वेलकम होम सर। थैंक्स सर। मैं अल्बर्ट सर। अल्बर्ट। कुछ मेहमान आए हैं सर। मेरा दोस्त। अच्छा लगा। वेलकम बैक दोस्त। वाओ, तुम सब तो सुपर स्ट्राइकर्स हो। अरे हाँ, ये तो मुझे पता होना यार, चाहिए। यार तू गया कहाँ था? हाय गोली। हाय शेख। मैं हूँ शेख। ये बात तो सब जानते हैं ना, सिर पर फिर से मारने से याददाश्त लौट आती है।
क्या है, सच कह रहा हूँ। दोस्त तू आ गया। शेख स्पेंसर, कॉस्मोस वाला मैच, हमें वहां पहुंचना होगा। बहुत देर हो गई, हम वो जीत गए हैं। सच में? हाँ, ये मुमकिन किया अल्बर्ट, एक मुश्किल ट्रेनिंग कोर्स और एक खास बंदे ने। कौन से बंदे ने? ये तो वाकई पागलपन है। भला ये ट्रेनिंग इनविंसिबल यूनाइटेड को और मजबूत कैसे बनाएगी? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सर, टेस्ट के मुताबिक ये खेल के दौरान खिलाड़ी की ताकत और स्पीड को 27% से बढ़ाती है। ये तो सिर्फ इनकी सोने की काबिलियत को बढ़ा रही है और कुछ भी नहीं। मुझे अभी सुपर स्ट्राइकर्स से आगे निकलना है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेकार है। अब बस कुछ ही देर में सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला क्लब पार्लमेंटरी से होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यो, मैं हूं जो। कभी सोचा है मुझ जैसा बनना कैसा लगता है? अब पेश है बूट्स की मेरी नई सिग्नेचर लाइन, जो बहुत ही जल्द आपके नजदीकी स्पोर्ट्स स्टोर में मिलेंगे। सोल पावर बेबी। रेजिस्टेंस प्लेइंग, मिल गया मुझे मेरा जवाब। बस अब उस जो के सोल पावर को बनाना है नो पावर, और वो भी उनके आने वाले मैच से पहले। मैच का दिन आ गया, सुपर स्ट्राइकर्स का सामना है क्लब पार्लमेंटरी से। मैं पूरी तरह तैयार हूँ अपने नए सुपर लीग स्कॉफ में। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं मैच के लिए तैयार हूँ अपने सुपर लीग स्कॉफ में। ये तो वाकई कूल है जो। मुझे मिलेंगे। ब्लॉक को एक जोड़ी मिल सकती है? मेरे पास इसके साइज की एक जोड़ी है दोस्त। क्यों ना हम सब आज के गेम में मेरे वाले जूते पहने, इससे इनकी अच्छी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। कभी नहीं, फाइटर सिर्फ अपने ही जूते पहनता है। कम ऑन फाइटर, कभी तो अपने दोस्त की मदद कर। ठीक है, अगर तू अपने क्लब में एक हफ्ते तक मेरे पसंद का म्यूजिक बजाएगा तो मदद करूंगा। मुझे मंजूर है। अरे बाप रे, इन्हें कहीं फेंका, अभी क्या भी। मेरे ख्याल से स्ट्राइकर्स ने आज कमाल कर दिया, इससे बेहतर वो पहले कभी नहीं खेले। टाइमिंग का तो जवाब नहीं। इनका खेल एक डांस देखने जैसा है। सुपर स्ट्राइकर्स का कोऑर्डिनेशन बेहतरीन है। गोल! कैप्टन रास्ता, हमने तुम्हें इससे पहले बेहतर खेलते नहीं देखा। आज के गेम में क्या अलग था? हमारी टाइमिंग सही थी और हम सब मिलकर खेलते हैं, और साथ ही हमें जो के नए जूतों की मदद भी मिली। शेख, तुम सालों से वही जूते पहन रहे हो ना? वो मैं आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद तो ये तय है कि कूल जो के नए जूते कमाल के हैं। अब आगे सुपर स्ट्राइकर्स दो नाइट गेम्स खेलेंगे, बच के रहना कोलोसस और कॉस्मोस। दोनों जूतों का वजन तो बिल्कुल एक जैसा ही है। हमने गीलापन सोखने वाले एक लेड अलॉय का इस्तेमाल किया है। आगे आने वाले दो नाइट गेम्स में स्ट्राइकर्स गीले माहौल में खेलने वाले हैं। ये जूते धीरे धीरे भारी होते जाएंगे और फिर 6%। इनसे बात बनेगी या नहीं? जितने ज्यादा गीले उतने ही अच्छे। अब हमें उस जो के जूतों से इनकी अदला बदली करनी है। देखो, चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारी टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। स्केट पार्क ऑब्स्टिकल कोर्स उसी हुनर पर काम करेगा। हम्म।
अच्छे, ये गेम में काम आएगा। सही कहा, जब हम ये मूव फील्ड पर आजमाएंगे तो धूम मच जाएगी। चलो फिर से करते हैं। बॉस यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनो जो, कल के मैच के बाद तुम्हारे नए जूतों की डिमांड बढ़ गई है, इससे हम काफी पैसा कमा सकते हैं। मैंने फैसला किया है कि अब से सारे मैचेस में टीम यही जूते पहनेगी। ओ, क्या बात है, इसे कहते हैं कमाल की खबर। और मैंने एक लॉन्च इवेंट रखा है, तुम सबको वहाँ आना है। वेलकम टू कूल जोस, टिकट दिखाइए। मिस्टर जो के लिए डिलीवरी है। ठीक है। इसे अंदर ले जाओ। हंसने की जरूरत नहीं है। वो जूते कहाँ है, हमें देखने हैं। अभी लो, पेश है। Cool Joe's Soul Power। तो जो हमने यहाँ देखा कल तुम सब ने नए जूतों में कितना अच्छा खेला, इनमें क्या अलग बात है? मेरे डांस फ्लोर और फील्ड वाले एक्सपीरियंस के बलबूते पर मुझे लगता है ऐसे जूते पहनने चाहिए जो आपकी स्टाइल बढ़ाए। सुपर स्ट्राइकर्स की टाइमिंग का जवाब नहीं, वही हमारा हथियार है और ये जूते उसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इससे पहनकर पैरों की बदबू भी नहीं आती है। फाइटर पर ये टेस्ट हुआ है। अच्छा मजा था शेख, अब चुप कर। तो फाइटर, क्या तुम भी बाकी के मैचेस में ये जूते पहनने वाले हो? हाँ, अब ये जूते और भी पॉपुलर हो जाएंगे, मेरे पहनने से ये और कमाल के हो जाएंगे, है ना? क्या ये वक्त जूते बदलने के लिए सही है? तुम्हारे अगले दो मैचेस कोलोसस और ओरायन के खिलाफ हैं, वो बहुत तगड़े हैं। हे, हम भी कम नहीं, और अब हमारे पास सोल पावर है ना जो? सही कहा ना जो? हाँ, ये सच है मैडम। Come on, शेख, पूरा जोर लगा दो। ये स्पेंसर तुम्हें गोल नहीं करने देगा। आज कोलोसस के खिलाफ तुम ये चाल चलोगे शेख? अगर मौका मिला तो क्यों नहीं। बढ़िया शॉट दोस्त। क्या बढ़िया पास दिया तुमने, क्या परफेक्ट टाइमिंग थी। वैसे क्या तुम मुझे भी अपने मूव सिखा सकते हो? सॉरी यार, अब जाकर कोलोसस को हराना है, पर ये लो, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है, शायद तुम्हारी भी करें। सच में रख लूं शेख? सुपर लीग में मिलते हैं। वाओ, थैंक्स। तुम सचमुच अपने पुराने जूते दे देना चाहते हो? अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है स्पेंजा, जो के जूते कमाल के हैं। ठीक है, बस तुम वो सारी चीजें मत दे देना जो शेख को असली शेख बनाते हैं। डोंट वरी यार, अगर मैं ऐसा कुछ करूँ भी तो मुझे पूरा यकीन है कि तू मुझे रोक लेगा। स्ट्राइक लैंड में मिलते हैं। हाँ, वही मिलते हैं। मैच बस शुरू होने वाला है। सुपर स्ट्राइकर सही फॉर्म में हैं। क्या आज रात भी वो अपना कमाल दिखाएंगे? जरा ये देखो बेंडा। अब क्या है? मैंने पहना है मेरा नया ऑफिशियल सुपर लीग माउथ गार्ड। इतना चाहता हूँ मैं इस गेम को। तुम्हें पता है कहाँ मिलेगा ऑफिशियल सुपर लीग बॉक्सिंग ग्लव? चलो चले। ही खेल रहे हैं, ये देखने की किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। एक कोलोसस प्लेयर कैप्टन रास्टा से आगे निकल रहा है। इस कैप्टन के आगे निकलना तो किसी के बस की बात नहीं थी। पर्सियस ब्लॉक से आगे निकलकर नेट पर पहुंच
और ये हुआ इस मैच का पहला गोल। काफी अच्छे इतना बुरा कभी नहीं खेले हैं। मैक तुम कुछ कहना चाहते हो? उन्होंने तो कमाल कर दिया। मैं समझ गई। लगता है जैसे सभी स्ट्राइकर्स ने अपनी घड़ियां अलग अलग टाइम पर सेट की हैं। इनमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। लगता है सुपर स्ट्राइकर एक साथ खेलने की कोशिश कर तो रहे हैं। बढ़िया पास ब्लॉक कर टाइगर को। और ये फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। और ये शेक्स की बढ़िया गेंद। न जाने स्ट्राइकर्स क्या करने की कोशिश कर रहे थे, पर जो भी किया सही नहीं था। अजीब है, ट्रेनिंग में तो बात बनी थी। कोलोसस को हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, पर आज तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। ये सब तेरी गलती है। आज लग रहा था जैसे मैं कीचड़ में भाग रहा हूँ। आज तो मैं टाइगर की तरह नहीं बल्कि कछुए की तरह खेला। यो बॉस, तुमने इतना बुरा खेलने की गलती कैसे की? क्या तुम कूल जो जूतों की बिक्री घटाना चाहते हो? रिलीज के बाद देखो कितनी बिक्री हुई है। वो इसलिए क्योंकि तुम वो जूते पहनकर जीते थे। अगर तुम हारने लगे तो जानते हो क्या होगा। दरअसल हम इन जूतों की वजह से ही तो हार रहे हैं। हाँ, ये बहुत भारी लग रहे हैं। राजा ये भारी है, बहुत ज्यादा भारी। ब्लॉक भी कह रहा है कि वो इसे धीमा कर रहे हैं। पुराना और नया दोनों का वजन बिल्कुल बराबर है। मुझे लगता है कि खराब खेलने के लिए तुम सब बहाने ढूंढ रहे हो। हमें जरूरत है प्रैक्टिस के वक्त हमारी टाइमिंग पर और थोड़ी मेहनत करने की। और तुम सब कूल जो बूट सी पहनोगे। और आज की हार के बाद सुपर स्ट्राइकर्स की रैंकिंग गिर गई है और उनका अगला दुश्मन ओरायन उन्हें इतनी आसानी से ऊपर नहीं आने देगा। सुना है आज बारिश जारी रहेगी, इससे ओरायन के एरियल स्टाइल को काफी फायदा मिलेगा। बारिश, पहली बार ये शब्द सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। वो जूते सारा पानी सोखते जाएंगे और उन सुपर स्ट्राइकर्स की बैंड बजा देंगे। कूल जो के जूतों ने कोलोसस के सामने स्ट्राइकर्स को दिलाई हार। नए जूतों की लात पड़ी सुपर स्ट्राइकर्स पर भारी। मुझे मत दिखाओ। सॉरी जो, लेकिन अब मुझे तेरे नए जूतों पर यकीन नहीं रहा। अब मैं अपने पुराने जूते पहनूंगा। लेकिन वो तो मैंने दे दिए। इतना बुरा तो मुझे तब भी नहीं लगा था जब मैंने अपने फेवरेट रिकॉर्ड पर चॉकलेट मिल्क गिराया था। ये सब मेरी गलती है। मुझे तो लगा था उस जो के जूतों ने अब तक तुझे ठंडा कर दिया होगा शेक। आज के गीले हालात दोनों ही टीम्स की रफ्तार धीमी करेंगे, पर चूंकि ओरायन बॉल को ज्यादातर हवा में ही रखते हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज है। हाँ बिल्कुल, उन्हें ज्यादा एडवांटेज है। अब क्या है? ऑफिशियल सुपर लीग बबल गम। वैसे ये कहना सही होगा कि इस गीले हालात का असर दोनों टीम्स पर होगा, पर सुपर स्ट्राइकर्स का हाल तो कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है। कहना मुश्किल है कि इसकी वजह ये गीले हालात है या फिर कुछ और, पर एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स अपनी टाइमिंग चूकते जा रहे हैं। इस पानी से तो इस खेल पर बहुत बुरा असर पड़ा है ब्रेंडा। अगर तुमने वही कहा जो मैं कहना चाहती थी तो तुम बिल्कुल सही हो। और रायन तो बड़ी आसानी से खेल रहे हैं, पर लगता है जैसे सुपर स्ट्राइकर्स को किसी ने जमीन से चिपका दिया हो। मेरा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। इनविंसिबल यूनाइटेड जाएंगे ऊपर और सुपर स्ट्राइकर्स जाएंगे नीचे। फर्स्ट हाफ खत्म होने में 10 मिनट हैं और मुझे तो लगता है अब ओरायन को स्कोर करने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। मैं हूँ स्मूथ, मेरा ग्रूव, मेरा मूव करूंगा प्रूव। ऐसा नहीं हो सकता। अब हालात बदलने का वक्त आ गया है।
शेख तुम्हें कुछ बोलना चाहता है क्या? तीन शब्द नहीं, 10 शब्द। जाकर मिलो उस बच्चे से और ले आओ। मैं समझ गया, स्पेंसर आ रहा है। लगता है शेख कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। चलते मैच में। चलो कम से कम फर्स्ट हाफ के खत्म होने तक एक स्ट्राइका की टाइमिंग सही हो गई है। नहीं! गोल! ओरायन का खाता खुल गया और जिस तरह स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं लगता है उन्हें और गोल्स करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। स्पेंसर जल्दी आ। मजाक है क्या? शेख ने इन्हें मुझे दिया था और तुम भी वही थे। हाँ, तुम वही थे। हाँ, पर क्यों ना हम एक सौदा कर ले। मैं शेख के पुराने जूतों के बदले तुम्हें कूल जो सोल पावर्स की एक चोटी ला कर दूंगा। बोलो मंजूर है? मंजूर है, हाँ जरूर, ये लो। आजकल तो हर तरफ बस सोल पावर्स के ही चर्चे हैं। हाँ, उन्हें ले आओ। रुक जाओ। अरे वापस आओ। शेख ने तो बिना जूतों के ही ज्यादा अच्छा खेला। शायद हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। और ऐसा करके अभी अभी किए हुए पेडिक्योर की बैंड बजा दूं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं कहता हूँ रुको, रुक जाओ। हेलो मेरे प्यारो। शेख, क्या तुझे सच में लगता है कि हम इन जूतों की वजह से हार रहे थे? ये क्या, ये एक मेटल डिटेक्टर है ना? जी सर। मेरे जूतों में मेटल डिटेक्ट हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता। ब्लॉक। लेड की एक पतली ले, इसीलिए तुम सबकी स्पीड कम हो रही थी। पर मेटल इतना भारी से भारी कैसे होता जा रहा है? मुझे पता है, इस मेटल में छेद हैं, जिससे गीलापन आसानी से अंदर जाकर जमा होने लगता है। और मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। चलो कम से कम हम जान तो गए कि हमारी भारी मुसीबतों की जड़ क्या थी, समझा? ये तो साफ है कि पहले मैच और कोलोसस वाले मैच के बीच किसी ने जूते बदले हैं। लेकिन ये किया किसने? तो अब क्या करें? उनका एक गोल हो चुका है, अब हम क्या करेंगे? फिर से मुझे टोका। जवाब हमारे सामने ही है। ये आए सुपर स्ट्राइकर अपने जूते बदल कर। स्ट्राइकर्स का खोया हुआ जोश लौट आया है। अरे बॉल शेख के पास, अच्छी डॉजिंग। शेख के पास किया जोको, अब बॉल है टाइगर के पास। अब लगता है ये अपना जलवा एक बार फिर दिखा के रहेंगे। कमाल के खेल का प्रदर्शन। और गोल! नहीं! अब स्ट्राइकर्स ओरायन पर भारी पड़ने लगे हैं। वक्त निकलता जा रहा है, गेम स्ट्राइकर्स के कंट्रोल में है, पर क्या वो आगे निकल पाएंगे? पिछली बार जब ये सिग्नल दिखा था तब सुपर स्ट्राइकर्स कोई ज्यादा गोल नहीं खिला पाए थे। एक बार फिर फाइटर की बेहतरीन हेडिंग। गोल! और स्ट्राइकर्स ने अपने हुनर और टाइमिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को जीत लिया है। शेख, इतने खराब फर्स्ट हाफ के बाद भी तुम सबने ये मैच कैसे जीता? हमारी नई टेक्निक रेजिस्टेंस। क्या? भारी जूतों से शुरुआत करो ताकि जब तुम उन्हें उतारो तो ऐसा लगे कि तुम उड़ रहे हो। ये सब कोच का आइडिया था, वो तो जीनियस है। मेरे ख्याल से उन्होंने हमारा पासा उल्टा कर दिया 98% के मार्जिन से। एक काम करता हूँ मैं फिर से, शायद मुझे अब यहाँ से 100% निकल लेना चाहिए। हाँ,
ये जूते मेरे डांस मूव जितने ही साफ हैं। लगता है सिर्फ उन्हीं जूतों में खराबी थी जो हमने पहले पहने थे। एक्सीलेंट, खबर मिली है इन जूतों की बिक्री आसमान छू रही है। ये पूरा स्कैंडल एक बेहतरीन एडवर्टाइजिंग कैंपेन साबित हुआ है। जो भी हो, अब से तो मैं बस अपने पुराने वफादार जूते ही पहनूंगा बॉस। अरे याद आया, वो फाड़ा हुआ जूता कहाँ है? हम उसे कलेक्टर्स आइटम की तरह बेच सकते हैं। हाँ?